तो कुछ दुकानदारों ने भी हमें घेर लिया, वो भी अपना मत जानना बताना चाहते हैं मीडिया पर कि क्या बन रहा है इस बार माहौल। अनुराग शर्मा को वोट देंगे, किसे वोट देंगे, भाजपा को देंगे, कांग्रेस को देंगे, किसे देंगे? देखो, मतदाता बहुत जागरूक है। अच्छा, हाँ, इसमें जो है पता भी नहीं चल रहा है कि जी मत कहाँ जाएगा। ठीक, लेकिन जाएगा तो हो ही जहाँ जाता था। कहना नहीं चाहता है किसी से। तो माहौल क्या बन रहा है, हम तो ये पूछ रहे माहौल क्या बन रहा है जो पहले था माहौल। जय श्री राम का माहौल बन रहा है, दुकानदार कह रहे हैं, बताइए भैया। बिल्कुल, जो विकास करेगा हम उसके संग है, और हिंदू है तो हिंदू रहेंगे। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। तो भाजपा या कांग्रेस, ये मत देने का अधिकार मेरा है। अच्छा, आपका नहीं है। आप तो हमें राय तो बता सकते हैं, जो विकास करेगा हम उसको देंगे, जो रामलला को लाएगा हम उसके साथ। चलिए, सारों में आपने सब बता ही दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चालू करो। हाँ, चालू। चलिए, दुकानदारों बंधुओं से और भी जान लेते हैं थोड़ा, बताइए किसका माहौल बन रहा है। माहौल तो बीजेपी का है, इस शासन में गुंडागर्दी, ये लूटपाट, ये सभी बंद हैं, और बहुत शांति का माहौल है। उसके साथ आपने कह दिया भाजपा का माहौल है, इतना तगड़ा माहौल है क्या? माहौल तो बहुत अच्छा है, एक तरफा जा रहा है पूरा वोट, और महिलाएं सुरक्षित हैं, गुंडागर्दी खत्म है, और बहुत अच्छा माहौल है। झांसी में अनुराग शर्मा। चलिए चलिए, ये तो बता दीजिए कि मतलब क्या माहौल बन रहा, किसके तरफ रुझान जा रहा, कौन आ सकता है, अंदाजा लगे, भविष्यवाणी टाइप थोड़ा सा। भविष्यवाणी तो वैसे लगती है, मोदी आ सकती है। मोदी आ सकते हैं? हाँ। मोदी देश में, मोदी। हाँ। और यहाँ पे, यहाँ क्षेत्र में, झांसी ललितपुर में अनुराग शर्मा, यहाँ क्षेत्र में तो आपको मतलब बाकी भाजपा की हो, कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है भाजपा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम, वाह, बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, चौक बाजार से हम कॉलेज रोड की तरफ निकल आए हैं, और यहाँ एक मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन दुकान दिखा दे, पंडित जी रसारिया जी महाराज की दुकान। इनकी जलेबियाँ बड़ी फेमस है आपको बताऊँ, और पूड़ियाँ उससे भी ज्यादा फेमस थी, हालांकि अब किसी कारण वो सबने बंद कर दी, लेकिन जलेबियों की मिठास से ज्यादा इनकी गालियों की मिठास इतनी फेमस है। महाराज जी है, बड़े ही प्यार से लोग यहाँ इनसे गालियों से अपनी शुरुआत करने आते हैं दिन की, बड़े ही प्रेमी स्वभाव के हैं। महाराज जी, स्वागत है लोक मीडिया को। क्या माहौल बन रहा है झांसी का? झांसी का माहौल तो ठीक है, जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, और माहौल तो अपने मालूम। जलेबी की मिठास जैसी मिठास किस पार्टी में आने वाली है इस बार? चल तो रही मोदी सरकार की है मिठास अब तो। अच्छा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो आप भी मोदी की तरफ? हाँ, क्यों नहीं, हिंदुत्व की बात हो रही, राम मंदिर की बात हो रही। राम मंदिर की बात चल रही है, खैर ठीक है, लेकिन थोड़ा ये कहीं कष्ट होता है। क्या कष्ट होता है? कि जब कहूँ बुंदेलखंड रुक जाती तो साजी रहती। सही बात है, मरुआ सागर की एक समस्या बहुत प्रचंड है, बुंदेलखंड नहीं रुक रही है। बस, और कोई समस्या है? कुछ विकास में कमी रह गई हो? विकास तो बहुत अच्छी चल रहा है, अपने आप किले को, तालाब को चल रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप जब जलेबी बिक्री करते हैं किसी प्रकार की गुंडागर्दी? नहीं, गुंडागर्दी कोई धमकी वमकी नहीं, कोई धमकी नहीं, ना गुंडागर्दी, ये तो बिल्कुल खत्म। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, दुकानदार बंधु भी यहाँ पर है हमारे साथ, और उनकी दुकान पर हम बिना अनुमति के ही आ गए हैं। भैया, जय श्री राम। जय श्री राम भैया, जय राम। जय श्री राम, आप गर्व से कह रहे हैं मैंने आपसे जय श्री राम कहा, तो क्या राम के नाम पर भाजपा को वोट देंगे? ये कोई नाम के ऊपर वोट नहीं दिया जाता है, जय श्री राम, राम राम, नमस्कार सारे लोग करते हैं, ये किसी जाति विशेष या किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए। व्यापारी या आम आदमी स्वतंत्र है, वो अपने मत का प्रयोग अपने दिल और दिमाग के आधार पर करेगा। तो इस बार क्या माहौल बन रहा है झांसी, क्या लग रहा है? माहौल का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जनता का रुझान कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है, वो कुछ भी कर सकती है, या इस पार या उस पार, क्या आपको एक दो दिन में मालूम पड़ जाएगा, और 4 तारीख को इसकी घोषणा भी हो जाएगी। अच्छा, कुछ कमी रह गई क्या भाजपा में युवाओं के लिए, रोजगार के लिए? कुछ बैठ जाऊँ? बैठिए बैठेंगे, बताइए कैसा, कोई कमी रह गई क्या भाजपा शासन में युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, लोगों को नहीं मिला क्या? भाई, कमी तो किसी चीज की ना दर्शाई है, ये जमीन आप जैसे कि व्यापारी है, मैं व्यापारी होने के नाते आपसे सवाल करता हूँ, व्यापारी वर्ग नजरिए से आप क्या देखते हैं, क्या कमी रह गई भाजपा शासन चलाने में, व्यापारियों के लिए क्या कमी रह गई?
कुछ ना कुछ 10 सालों में कुछ तो आया हुआ ना फर्क समझ में, कुछ एनालाइज किया है आपने? एनालाइज तो काफी किया है, आप लोग भी जानते हैं कि मैं कई शर्म सीखा आज मैं एक सराफे के व्यापारी हूँ। आपने भी देखा होगा कि चंद दिनों के अंदर सोने चांदी का रेट क्या चला जा रहा है, इस पर व्यापार पर काफ़ी असर पड़ा है, व्यापार बिल्कुल मध्यम स्थिति में आ चुका है। अन्यथा इस व्यापार में स्थिति ना बनती, इस भाव के उतार चढ़ाव में ना होता तो व्यापार अपनी यथा स्थिति में चलता। आज बाजार में सन्नाटा है, आप भी पूरे बाजार में घूम के आए होंगे, देखा भी होगा हर व्यापारी सस्ते वो सब ऑनलाइन मार्केट चल रहा है और सरकार ऑनलाइन मार्केट की बातें करती है, इसको बंद किया जाए, इसको खत्म किया जाए, ऑनलाइन मार्केट ही बंद किया जाए। ऑनलाइन मार्केट से पूरे व्यापार पे असर है, व्यापारी शांत प्रिय बैठा है, घर बैठे सामान आएगा, व्यापारी मार्केट में क्यों आएगा? बड़ी चीज कह रहे हैं आप बिल्कुल। और युवाओं के लिए नौकरियां मिल रही हैं नहीं मिल रही है सरकार में? आप बिजनेस का तो बता रहे हैं कि डगमगा रहा है, तो नौकरी आवश्यक है पर युवाओं के लिए? बिल्कुल आवश्यक है, सरकार से मेरी मांग है कि युवा जो बेरोजगार ढूंढ रहे हैं वो अपना व्यापार करने के लिए इच्छा है, कोई ठेले लगाता है, कोई छोटा मोटा व्यापार करता है, वो चाहता है मुझे सरकारी नौकरी मिले, मेरा जीवन यापन हो, मेरा घर चले। मैं सरकार से मांग करता हूं कि युवाओं के लिए रोजगार अति आवश्यक है। किसी को नौकरी तो नहीं दे सकते ना, जितने लोग उसमें योग्यता के आधार पर मिलते हैं सरकार, इन 5-10 सालों में मैंने सुना है कि जितने भी पेपर हुए हैं वो आउट हुए। विद्यार्थी भी तैयारी करता है, सालों लगते हैं उसे तैयारी करने में, और जब एग्जाम की स्थिति आती है, एग्जाम दे के घर लौटता है, उसके कुछ दिनों बाद ही मालूम पड़ जाए कि पेपर आउट, वो कितना हताश होता होगा। आप भी एक विद्यार्थी हैं, आज रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, आप भी उस चीज से भलीभांति जानते होंगे कि कैसा क्या लगता है। आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो आप कैसा महसूस करें? चलिए आप तो सीधे तौर पर मुझे ये बताइए कि झांसी में क्या माहौल बन रहा है, अपने स्तर से बता दीजिए, किस ओर में जान जा रहा है? भाई इसमें युवा ही मतदान निर्णय होगा, युवा ही इसका डिसाइड करेगा कि वो किस ओर जाना चाहेगा। चलिए व्यापारियों की सलाह भी हमने जान ली।